एंड दैट डमी मॉड्यूल के ऊपर हम लोग टेस्ट केसेस लिखने का ट्राई करेंगे. तो कौन सा मॉड्यूल ले सकते हैं, लेट्स स्टार्ट गाइस. मुझे सिंपल सा चीज करना है, मुझे लेट्स से गाइस ऑरेंज एचआरएम ले लेते हैं हम लोग. विल टेक दिस ऑरेंज एचआरएम. ओके, तो गाइस ये जो ऑरेंज एचआरएम टूल है, इसके पर्टिकुलर ये लॉगिन मॉड्यूल पे मुझे टेस्ट केसेस लिखना है. सो ये टेस्ट केसेस कैसे लिखेंगे, टेम्पलेट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्या क्या फील्ड्स उसमें होने चाहिए, ये हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है. ओके, तो गाइस इनिशियली यहाँ पर हम लोग टॉप ऑफ ये एक्सेल में ऐसे मेंशन करेंगे प्रोजेक्ट नेम, कि हमारा प्रोजेक्ट नेम क्या है. व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेम हियर, प्रोजेक्ट नेम जो रहेगा वो हमें मेंशन करना है. ओके, प्रोजेक्ट नेम के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल नेम. मॉड्यूल नेम के एग्जैक्टली मॉड्यूल नेम क्या रहेगा, दैट वी विल बी मेंशनिंग हियर. ओके, देन इसके बाद गाइस हम लोग टेस्ट केसेस कौन लिख रहा है इसके ऊपर भी मेंशन करेंगे. क्रिएटेड बाय, ये टेस्ट केसेस किसने लिखे हैं, इसका नेम यहां पर आ जाएगा क्रिएटेड बाय. क्रिएटेड डेट वहां पे होना चाहिए, फिर क्रिएशन डेट होना चाहिए गाइस. लेट मी राइट डाउन क्रिएशन डेट. ओके, क्रिएटेड बाय, क्रिएशन डेट गाइस. उसके बाद ये हम लोग टेस्ट केसेस किसी को रिव्यू करने के लिए देने वाले, तो रिव्यूअर का नेम होना चाहिए वहां पे रिव्यूड बाय, ऐसे हम लोग बोल सकते रिव्यूड बाय. और रिव्यू किसने किया है, रिव्यू ओके रिव्यूड बाय तो हो गया. उसके बाद गाइस रिव्यूड डेट, कौन से डेट पे ये रिव्यू हुआ है यहाँ पर मेंशन आ जाएगा. सो गाइस इस तरीके से आपका कुछ एक जनरिक जनरलाइज फॉर्मेट होगा जिसमें हम लोग टेस्ट केसेस को लिखने का ट्राई करेंगे. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसे ही होना चाहिए, बट गाइस थोड़ा बहुत आप ऐसा अगर यू नो अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो, ऐसा अगर फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ईजी जाएगा. द फर्स्ट हम लोगों का प्रोजेक्ट नेम आएगा, फिर मॉड्यूल नेम, क्रिएटेड बाय, क्रिएशन डेट, रिव्यूड बाय, रिव्यू डेट. आई थिंक गाइस ये फील्ड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब भी हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या है. सो गाइस फॉर एग्जांपल हम लोग ऑरेंज एचआरएम टेस्ट का, ऑरेंज एचआरएम का प्रोजेक्ट है हमारा, तो लेट्स गिव ऑरेंज एचआरएम, ये हमारा गाइस प्रोजेक्ट नेम है. जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम रहेगा गाइस, दिस प्रोजेक्ट नेम इज गोइंग टू बी हियर. आप ऑरेंज एचआरएम या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मेंशन करोगे, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर ऑरेंज एचआरएम के एप्लीकेशन के लिए या फिर इसके लॉगिन मॉड्यूल के लिए गाइस मैं टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ. ओके, देन नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल है इसका गाइस आपको पता है व्हाट इज द लॉगिन मॉड्यूल, दिस इज समथिंग, ये ऑरेंज एचआरएम का लॉगिन मॉड्यूल है, राइट. सो गाइस सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम मेंशन कर दिया. After the project name आप मॉड्यूल नेम मेंशन कर दो. मॉड्यूल नेम क्या आएगा यहाँ पर, मॉड्यूल नेम इज समथिंग हम लोग ऑरेंज एचआरएम का लॉगिन मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं, तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन मॉड्यूल है. ओके ओके एवरीवन, यहाँ पर आपका लॉगिन मॉड्यूल आ गया. क्रिएटेड बाय, आपका नेम आ जाएगा जिसने भी क्रिएट किया है. क्रिएशन डेट, जिस डेट को आप क्रिएट कर रहे हो वो डेट यहाँ पर मेंशन करोगे. गाइस डेफिनेटली आप लोग टेस्ट केसेस लिखने के बाद रिव्यू करने के लिए तो डेफिनेटली भेजोगे, राइट. तो किसने रिव्यू किया है, रिव्यूअर कैन बी योर प्रोडक्ट ओनर, इट कैन बी योर टेस्ट लीड, इट कैन बी योर पीयर रिव्यूअर, कोई भी हो सकता है, उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा. लेट मी राइट डाउन गाइस यहाँ पर नेम्स कौन कौन हो सकते हैं. प्रोजेक्ट आपका प्रोडक्ट ओनर हो सकता है, प्रोडक्ट ओनर के बाद आपका टेस्ट लीड हो सकता है, टेस्ट लीड के बाद और कौन हो सकता है गाइज, आपके पीयर्स हो सकते हैं, पीयर रिव्यू में कोई भी हो सकता है. ओके, आपके टीममेट्स हो सकते हैं. तो जिसने भी गाइज रिव्यू किया है उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम एंड डिजिग्नेशन यहाँ पर आ जाएगा. ओके, एंड रिव्यू कौन से डेट पे किया है वो यहाँ पर रिव्यू के डेट आने चाहिए. ऑलराइट गाइज,
होप लाइक ये सबको क्लियर है, एनी कन्फ्यूजन एनी वन हियर, किसी का कोई भी कन्फ्यूजन गाइस? आई होप ये फील्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गाइस, किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? एंड इसके बाद गाइस यहीं पे हम लोग कुछ फील्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन टेक द फील्ड्स एट द बॉटम। जैसे मैं गाइस सिनेरियो जो है, सिनेरियो को भी यहीं पे इंक्लूड कर सकता, अदरवाइज आई कैन टेक द सिनेरियो हियर। तो लेट मी राइट डाउन सिनेरियो हियर, मैं कौन से सिनेरियो पे टेस्ट केस लिख रहा हूँ। तो गाइस टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट सिनेरियो का आईडी हो सकता है, हम लोग टेस्ट सिनेरियो आईडी मेंशन करेंगे, ठीक है? टेस्ट सिनेरियो आईडी, एंड आफ्टर दैट गाइस टेस्ट सिनेरियो आईडी के बाद हम लोग टेस्ट सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन, विल बी राइटिंग द टेस्ट सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन, ओके? सो समथिंग गाइस इस तरीके से हमारा कुछ ये टेस्ट केसेस रहेगा। लेट मी यहां से गाइस इसको लेट मी गिव अ वाइट बैकग्राउंड हियर, ओके? तो गाइस ये आपका टेस्ट सिनेरियो आईडी रहेगा और टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन रहेगा। टेस्ट सिनेरियो गाइस आईडी, ये समथिंग आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड सिनेरियो के एक आईडी होते हैं, यूनिक आईडी होते हैं, जिसके थ्रू गाइस कोई भी अगर सर्च करेगा कि एक पर्टिकुलर आईडी से सर्च करेगा तो उसको वो सिनेरियो कौन क्या है और कौन सा है आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो वेन एवर गाइज यू आर राइटिंग द टेस्ट केसेस, यू नीड टू गिव द प्रॉपर टेस्ट सिनेरियो आईडी, आपको प्रॉपरली देना जरूरी है। तो टेस्ट सिनेरियो आईडी गाइज, लेट्स से मैं ऐसे बोल देता हूँ टीएस, टीएस स्टैंड्स फॉर गाइज, मैंने ऐसे ही ले लिया टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो क्या है? ये टेस्ट सिनेरियो ऑरेंज एचआरएम का है, ओ एचआरएम ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, टेस्ट सिनेरियो ओ एचआरएम अंडरस्कोर गाइज, मैं ऐसे बोल देता हूँ ये 001, ऐसा कुछ मैंने गाइज ये टेस्ट सिनेरियो आईडी दे दिया, ठीक है? टेस्ट सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन गाइज, टेस्ट सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन विल बी वेरी सिंपल कि गाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेस्टिंग द लॉगिन फंक्शनैलिटी, वी आर नथिंग बट वी आर टेस्टिंग द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ दिस ऑरेंज एचआरएम एप्लीकेशन। तो दिस इज वॉट योर टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन इज, टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन इज टेस्टिंग टेस्टिंग द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ ऑरेंज एच आर एम एप्लीकेशन। ये जो ऑरेंज एच आर एम एप्लीकेशन है, ये ऑरेंज एच आर एम एप्लीकेशन को हम लोग इसका लॉग इन फंक्शनैलिटी टेस्ट करने वाले, इट इज़ नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर टेस्ट सिनेरियो। ऑलराइट गाइस, ये यहाँ पर भी लिखते हैं कोई कोई लोग यहाँ पर भी लिखते हैं, तो डिपेंड्स आप किस तरीके से फॉलो करते हो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में गाइस, लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली वो क्या होगा, शायद किसी के ऑर्गेनाइजेशन में गाइस समथिंग टेस्ट सिनेरियो आईडी यहाँ पर रहेगा, ओके? टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में यहीं पे रहेगा। मिनट, ओके, हियर इट कुड बी योर, आपका यहाँ पर टेस्ट सिनेरियो आईडी रहेगा, यहाँ पर आपका टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन रहेगा। लेट मी टेक दिस वन गाइस, मैं यहाँ से टेस्ट सिनेरियो का आईडी यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एंड दिस डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। दैट्स इट गाइज, इस तरीके से भी कोई लोग रखते हैं, डिपेंड करेगा कि आप एग्जैक्टली क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हो, किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, ओके? एंड एग्जैक्टली आपका मोटिव क्या है, राइट? जस्ट अ मिनट गाइज, आई एम ऑल्सो नॉट दैट मच गुड विद दिस एक्सेल, ओके? ऑलराइट, सो ये आप लोगों का कुछ फॉर्मेट रहेगा जो आप फॉलो करोगे, दिस इज टेस्ट सिनेरियो आईडी, दैट्स देन योर टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन। आफ्टर दिस गाइस, टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन के बाद आप लोग और क्या चीज़ें फॉलो करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को गाइस सबसे पहले टेस्ट केस, ये तो हो गया आपका टेस्ट सिनेरियो गाइस, समथिंग टिल हियर।
आप लोगों ने टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद एग्जैक्टली आपके टेस्ट केसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस हियर टिल हियर, किसी का कोई भी कंफ्यूजन? एनीवन गाइस, कोई भी, किसी को भी कोई डिफिकल्टी है तो बता दो। डू वी हैव एनी क्वेश्चन गाइस हियर? ऑल गुड राइट? सो लेट मी गिव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड हियर, नॉट द कलर, कलर शुड बी द सेम। ओके, तो गाइज ये आपके कुछ कॉलम्स है, उनको ये फील्ड्स है, इसके बारे में यू शुड हैव अ यू नो डिटेल अंडरस्टैंडिंग की एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेस्ट केस आई डी। गाइज नेक्स्ट कॉलम रहेगा आपका टेस्ट केस आई डी। टेस्ट केस आई डी ये एक कॉलम रहेगा आपके, एवरी टेस्ट केस को एक यूनिक यूनिक आई डी यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना है, टेस्ट केस आई डी, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट कॉलम रहेगा गाइस टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस का आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा कि एग्जैक्टली आप जो टेस्ट केस लिख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। टेस्ट गाइस टेस्ट केस या फिर टेस्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आप लोगों को मेंशन करने हैं टेस्ट स्टेप्स, ओके। तो ये रहा आपका टेस्ट स्टेप्स वाला यू नो कॉलम, ठीक है। टेस्ट स्टेप्स गाइस यहाँ पर इट विल बी समवेयर आपके टेस्ट स्टेप्स होंगे, ठीक है। देन टेस्ट स्टेप्स के बाद गाइस आप, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था गाइस, किसी भी पर्टिकुलर आप फेज में जाओगे वहाँ पर एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया होता है, करेक्ट एवरीवन? तो एंट्री क्राइटेरिया दैट इज नथिंग बट आपका टेस्ट केस स्टार्ट करने से पहले प्री कंडीशन, आप ऐसे बोलोगे प्री कंडीशंस। तो दिस विल बी गाइस, मैं यहाँ पर प्री कंडीशंस मेंशन करूँगा कि टेस्ट केसेस लिखते टाइम मुझे प्री कंडीशंस क्या फॉलो करने हैं, ठीक है। प्री कंडीशंस के बाद गाइस समथिंग, हमें प्री कंडीशंस के बाद और हम लोगों को क्या कॉलम ऐड करना है, इट कैन बी गाइस योर टेस्ट टेस्ट डेटा। ये टेस्ट डेटा कॉलम हो सकता है जहाँ पर हमें टेस्ट डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, विल बी रिक्वायरिंग द टेस्ट डेटा। देन हमें कुछ पोस्ट कंडीशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा तो पोस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए। दिस इज योर पोस्ट कंडीशन का कॉलम, ठीक है। ये गाइज यहाँ पर पोस्ट कंडीशन आएगा। पोस्ट कंडीशन के बाद एक्चुअल में गाइज हम लोग जब टेस्ट केस लिखेंगे तो टेस्ट केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है इसको भी मेंशन करेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारे टेस्ट केस का। सो ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट का कॉलम। एक्सपेक्टेड रिजल्ट गाइस इसको डिस्कस करने के बाद जब हम लोग टेस्ट केस एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्चुअल एक्चुअल रिजल्ट को यहाँ पर यू नो रिकॉर्ड करेंगे। हियर हमारा एक्चुअल रिजल्ट का कॉलम आएगा, यहाँ पर हम लोग एक्चुअल रिजल्ट को मेंशन करेंगे, ठीक है एवरीवन। सो एक्चुअल रिजल्ट आ गया, उसके बाद उसका स्टेटस गाइस, पर्टिकुलर स्टेटस आपका एग्जैक्टली क्या है, मतलब जैसे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट दोनों भी चीज़ें मैच हो गई तो आपका टेस्ट केस का स्टेटस पास आएगा। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट में डेविएशन आता है मतलब आपका टेस्ट केस फेल हो गया। तो ये स्टेटस का एक कॉलम रहेगा। स्टेटस के बाद गाइस दैट इज डन। इसके बाद कुछ कमेंट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो हियर विल हैव द कमेंट्स वाला कॉलम। तो यहाँ पर जनरली जो रिव्यूअर है, इस पर्टिकुलर रिव्यूअर का अगर आपको कुछ रिव्यूज़ देने हैं तो ही कैन गिव द रिव्यू, रिव्यू के रिलेटेड कुछ कमेंट्स देगा। और अगर इन फ्यूचर गाइज यही टेस्ट केसेस अगर आप ऑटोमेशन के लिए भेजने वाले हो तो इज ऑटोमेटेबल करके कॉलम ऐड कर सकते हो आप लोग। इज ऑटोमेटेबल, वो पर्टिकुलर टेस्ट केस ऑटोमेटेबल है क्या, तो यहाँ पर आप येस और नो का चेकबॉक्स ऐड कर सकते हो अगर है, या फिर आप येस या फिर नो मेंशन कर सकते हो। फिलहाल गाइज आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, फिलहाल हम लोग अपने फॉर्मेट को इतना ही रखते हैं। दिस इज आर जेनेरिक फॉर्मेट गाइज, इसमें कुछ मैंने गाइस कुछ कॉलम्स मैंने ज़्यादा ऐड किए हैं, कुछ कॉलम्स मैंने रिमूव करे हैं। ये हमारे लिए गाइस ये कैसा फॉर्मेट है,
कोई नहीं जानता कि गाइस आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का फॉर्मेट या फिर टेम्पलेट यूज़ होता है. सो दिस इज़ द फॉर्मेट या फिर दिस इज़ द टेम्पलेट गाइस जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर राइटिंग डाउन द टेस्ट केसेस. तो यही फॉर्मेट हम लोग यूज़ करेंगे गाइस. ठीक है, किसी का भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर. इट इज़ वेरी सिंपल. लेट मी गाइस थोड़ा सा यू नो मेक इट बोल्ड एज वेल. ठीक है, तो ये हमारे कुछ गाइस फील्ड्स हो गए जिनके बारे में हम लोगों को सिंपली डिस्कशन करना है. ओके, दैट्स इट गाइस. दिस इज द फॉर्मेट जो हम लोग अप्लाई करेंगे. एंड एज आई सेड गाइस, अकॉर्डिंग टू मी ये टेस्ट सिनेरियो आईडी यहाँ पर होना चाहिए और टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन भी यहीं पे होना चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट भी करेक्ट है. या फिर जो हमने पहले किया था, टेस्ट सिनेरियो आईडी को यहीं पे रखा था, टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन को हमने यहीं पे रखा था. इस तरीके से भी आप लोग ऐड कर सकते हो. एंड गाइस, जैसे जैसे आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस आएंगे, यू नीड टू ऐड डाउन ऐड द डिफरेंट शीट्स ओवर हियर. यू नीड टू ऐड द डिफरेंट शीट्स ओवर हियर जहाँ पर आप पर्टिकुलर टेस्ट केसेस को, पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को आप लोग ऐड करते जाओगे इनटू द डिफरेंट शीट. ओके, तो गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट इट. टेस्ट सिनेरियो आईडी, तो एक टेस्ट सिनेरियो आईडी एग्जैक्टली होता क्या है? टेस्ट सिनेरियो आईडी इज समथिंग. टेस्ट सिनेरियो आईडी का मीनिंग क्या होता है? टेस्ट सिनेरियो आईडी आपका एक यूनिक आईडी होता है जिसके थ्रू पूरे टेस्टिंग में आपके टेस्ट सिनेरियोज जो है इनको आइडेंटिफाई किया जाता है. इसको फॉलो करने का गाइस कुछ रूल होता है कि जैसे मैंने TS दिया है, TS स्टैंड्स फॉर टेस्ट सिनेरियो. ओके, अंडरस्कोर OHRM मैंने प्रोजेक्ट नेम दे दिया, क्योंकि एट ए टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते हैं तो आपके प्रोजेक्ट का नेम सिनेरियो में और टेस्ट केसेस में रहेगा. तो दैट इज गाइस, दैट इज एक्चुअल में इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस. ओके, देन यू कैन गिव एनी नंबर, दैट इज टेस्ट सिनेरियो आईडी. दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू कैन फॉर्म द टेस्ट सिनेरियो आईडी. और टेस्ट सिनेरियो आईडी गाइस ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके प्रोजेक्ट में सिनेरियोज वगैरह लिखे होते हैं लोगों ने. आप उनके टेम्पलेट, सबसे पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप उनका टेम्पलेट किसी से मांगोगे. उसके बाद किसी ने ऑलरेडी टेस्ट केसेस लिखे होंगे, वो रेफरेंस के लिए आप लोग यू नो यू विल टेक द डॉक्यूमेंट्स और वो टेस्ट केसेस को आप देखोगे, खुद रिव्यू करोगे कि उन लोगों ने किस तरीके से टेस्ट केसेस लिखे हैं. एंड यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम फॉर्मेट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि परितोष कुछ अलग फॉर्मेट यूज़ कर रहा है, निशा कोई अलग यूज़ कर रहा है कर रही है, रवि कुछ अलग फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, रेवती का कुछ अलग ही फॉर्मेट है. दिस शुड नॉट बी देयर इन द गाइज एक्चुअल प्रोजेक्ट. तो एक्चुअल प्रोजेक्ट में व्हेन यू गो टू योर गाइज XYZ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर भी आप जाओगे, तो आपके प्रोजेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन में जो टेस्ट केस राइटिंग का फॉर्मेट टेम्पलेट होता है गाइज, आप उसी को फॉलो करोगे. ये मैंने कुछ जेनेरिक फॉर्मेट आप लोगों के सामने गाइज शोकेस किया है. ठीक है, जो हम लोगों ने क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, या फिर अकॉर्डिंग टू गाइज आर रिक्वायरमेंट हम लोगों ने इसको डिस्कस करेंगे आज. ओके, देन टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन क्या है गाइज? टेस्ट सिनेरियो इज सिंपली कि आप पर्टिकुलर टेस्ट सिनेरियो आईडी जो दिए उसके रिलेटेड कौन सा सिनेरियो है उसका डिस्क्रिप्शन इन अ शॉर्ट गाइज आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जिसको रीड करके रिव्यूअर को, या फिर इन फ्यूचर गाइज इस टेस्ट केसेस को जो भी देखेगा, इस टेस्ट केसेस को रेफर करेगा, उसको आइडिया आना चाहिए. जैसे मैंने लिखा है टेस्टिंग द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ ऑरेंज HRM एप्लीकेशन. तो दिस इज आर ऑरेंज HRM एप्लीकेशन गाइज, मैं इसका लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करने वाला. आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस लॉगिन फंक्शनैलिटी. तो गाइज जो टेस्ट सिनेरियो रहेगा, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है? तो गाइज जब हमें रिक्वायरमेंट आता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो आता है, रिक्वायरमेंट में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है. तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन जो मेंशन रहेगा, उस बेसिस पे गाइज जहाँ पर आप टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, तो टेस्टिंग का एक सिनेरियो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिनेरियो क्या रहेगा. एंड सिनेरियो आर ऑलवेज हाई लेवल, दे आर ऑलवेज इन हाई लेवल. ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये पेरेंट यूजर स्टोरी की तरह होता है या फिर पेरेंट टेस्ट केस की तरह होता है. एक सिनेरियो गाइस कभी भी आपका पॉजिटिव अप्रोच में ही होना चाहिए. कभी भी आप टेस्ट सिनेरियो को निगेटिव नहीं रखोगे. आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप ऐसे टेस्ट केसेस नहीं लिखोगे कि वी आर अनेबल टू लॉग इन
टू ऑरेंज HRM एप्लीकेशन गाइस, नेवर, आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिंपली आपका टेस्ट सिनेरियो शुड बी इन अ पॉजिटिव अप्रोच, ओके, योर टेस्ट सिनेरियो शुड बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिवली आपको सिनेरियो के बारे में आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो गाइस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर गाइस समथिंग आपका ऑरेंज HRM एप्लीकेशन का जो लॉगिन फंक्शनैलिटी है गाइस, ये मेरा रहा टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करने के बाद नाउ गाइस यू विल बी राइटिंग डाउन द टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस जब लिखोगे तो एवरी टेस्ट केस शुड हैव अ यूनिक आईडी, जिससे कि आपका टेस्ट केस ट्रैक होगा। तो आप टेस्ट केस आईडी दोगे तो टेस्ट केस आईडी कुछ भी हो सकता है गाइस, ओके। तो आई एम जस्ट गिविंग टीसी, टीसी स्टैंड फॉर टेस्ट केस। टेस्ट केस क्या है गाइस, टेस्ट केस कहाँ से आपने आइडेंटिफाई किया है? आपने टेस्ट केस आइडेंटिफाई किया है ऑरेंज HRM जो TS OHRM 001 है, ये सिनेरियो के बेस पे आप टेस्ट केस आईडी, यू नो टेस्ट केस आईडी आप दे रहे हो। तो TC गाइस लेट मी गिव टेस्ट केस ऑरेंज HRM _ 001 है गाइस, ये मेरा टेस्ट सिनेरियो आईडी है। टेस्ट सिनेरियो आईडी पे गाइस 001 _ लेट मी गिव 01 कि ये मेरा फर्स्ट टेस्ट केस है। तो गाइस सिंपली मैंने टेस्ट केस लिखा ऑरेंज HRM _ 001 मैंने टेस्ट सिनेरियो को रेफर करा, इस सिनेरियो पे मेरा फर्स्ट टेस्ट केस है। तो ऐसे ही गाइस वी कैन गिव अ यूनिक आईडी फॉर योर फॉर आर टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट गाइस, हम लोग आईडी दे सकते हैं। वंस यू आर इन टू एनी प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट पे किस तरीके से टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं उसको थोड़ा सा देखो, वो लोग टेस्ट सिनेरियो आईडी कैसे देते हैं, वो लोग टेस्ट केस आईडी कैसे मेंशन करते हैं गाइज, आप उसको फॉलो करना, वही फॉर्मेट आप फॉलो करना। आई एम जस्ट गिविंग यू कि टेस्ट केस आईडी कैसे दिया जा सकता है, इसका आइडिया मैं दे रहा हूँ, आइडिया मैं आपको जस्ट क्लियर आउट कर रहा हूँ, ओके। देन गाइज यहाँ पर आपका टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन आएगा, वॉट इज योर टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन। ये 001 जो सॉरी TCOHRM _ 001 _ 01 जो आपने लिखा है, तो ये टेस्ट केस एग्जैक्टली है क्या, ये डिस्क्रिप्शन से मुझे क्लियर होना चाहिए कि टेस्ट केस एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज माय टेस्ट केस। तो गाइस ये हमने पहले ही देखा था, आपके सिनेरियो आर ऑलवेज इन पॉजिटिव अप्रोच, बट टेस्ट केसेस जो होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं कि टेस्ट केसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं गाइस, एवरीवन टेस्ट केसेस डेफिनेटली टेस्ट केसेस गाइस नेगेटिव होना ही चाहिए, बट टेस्ट सिनेरियो आपका सिंपली इट शुड बी इन अ पॉजिटिव मोड या फिर पॉजिटिव अप्रोच में होना चाहिए। इज दैट ड्रॉ बॉर्डर, जस्ट अ मिनट, borders, where is that all borders, okay we have all borders option, all right। तो guys something here test case का अभी हम लोग description लिखना start कर देंगे। now here all description test case description में guys यहाँ पर exactly मुझे describe करना है कि मेरा test case क्या है, it should be short and sweet, understandable guys, your test case should be simple, जितना सिंपल रहेगा सामने वाले को अंडरस्टैंड भी अच्छे से होगा, इन फ्यूचर आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, रिव्यूअर को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो सिंपल सा टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन है गाइस, कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, आई विल बी एंटरिंग एंटर वैलिड वैलिड यूजर नेम, एंटर वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड गाइज, मैं वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड एंटर करूंगा, वैलिड पासवर्ड एंटर करूंगा, ठीक है। मैं एंटर क्या करूंगा, मैं वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड एंटर करने का ट्राई करूंगा, दिस इज व्हाट गाइज मेरा टेस्ट केस है, ओके। जस्ट लेट मी रैप दिस टेक्स्ट, ओके। सो गाइज दिस इज माई टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, कि मेरा टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन क्या है, एंटर अ वैलिड यूजर नेम एंड अ वैलिड पासवर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिड यूजर नेम एंड अ वैलिड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन मैं अप्लाई करूंगा, ये मेरा गाइस टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन रहा।
यहाँ पर सबसे पहले मुझे टेस्ट स्टेप्स मेंशन करना है। तो टेस्ट स्टेप्स एग्जैक्टली क्या रहेगा ये हम लोगों को मेंशन करना है। ओके गाइस, फिलहाल मैं क्या करता हूँ समथिंग, मैं कुछ और टेस्ट केसेस यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। ओके, लेट मी गिव 02, लेट मी गिव 03 एंड दिस इज 04, ये हमारे टेस्ट केस है। लेट मी गिव डिफरेंट सिनेरियो गाइस। डिफरेंट सिनेरियो क्या हो सकता है कि मैं एंटर करूंगा गाइस वैलिड यूजर नेम बट इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड एंटर करके देखूंगा, एंटर वैलिड यूजर नेम बट इनवैलिड पासवर्ड। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, आई कैन एंटर, व्हाट आई कैन डू, आई कैन एंटर वैलिड, यस आई कैन एंटर इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड यूजर नेम बट आई कैन एंटर वैलिड पासवर्ड, राइट एवरीवन, मैं वैलिड पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, वी कैन एंटर इनवैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। सो ये हमारे गाइस टेस्ट केसेस हो गए। दीज आर फोर टेस्ट केसेस हम लोगों ने गाइस सिंपली, अभी और भी टेस्ट केसेस आएंगे यहाँ पे, डोंट वरी। फिलहाल ये हमारे बेसिक टेस्ट केसेस हो गए, ये हमारे टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन हो गए एंड दीज आर टेस्ट केस आईडी। एनी कन्फ्यूजन एनी वन? सिंपल सा है कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल पे मैं एक ऐसा टेस्ट केस रहेगा, पॉजिटिव टेस्ट केस क्या है कि मैं वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड एंटर करके मैं लॉग इन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, मैं वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ एंड मैं लॉग इन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा वैलिड टेस्ट केस है या फिर पॉजिटिव टेस्ट केस है। दूसरे गाइस मेरे इनवैलिड या फिर निगेटिव टेस्ट केसेस है। निगेटिव टेस्ट केसेस क्या है, मैं वैलिड यूजर नेम एंटर करूंगा एंड इनवैलिड पासवर्ड, या फिर मैं इनवैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इनवैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड मैं एंटर करके देखूंगा और मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या मुझे मैसेज आ रहा है या फिर क्या एग्जैक्टली ये एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर करना है। ओके एवरीवन, सो दीज आर माई फोर टेस्ट केसेस जो मुझे बेसिक से टेस्ट केसेस लिखने थे जो मैंने यहाँ पे फॉलो किए हैं। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन एनीवन? ऑल गुड, चलो देन नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है दैट इज नथिंग बट द टेस्ट स्टेप्स। थोड़ा सा गाइस इस को भी रैप कर देते हैं, लेट्स यू नो रैप दिस पर्टिकुलर कॉलम। ओके ऑलराइट एवरीवन, सो दिस वी कैन डू इट लाइक दिस। नाउ हियर हम लोगों ने गाइस सिंपली ये कुछ स्टेप्स फॉर, ओके ये हम लोगों ने कुछ सिंपली कॉलम्स गाइस फिल अप कर लिए एंड यहाँ पर वी विल ऐड सर्टन न्यू, ये जो हमारे दूसरे कॉलम्स है गाइस इनको फिल अप करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा गाइस टेस्ट स्टेप्स, कि टेस्ट स्टेप्स हमारे कैसे होने चाहिए, कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या फॉलो करना है। ऑलराइट एवरीवन, दैट वी एग्जैक्टली वी आर यू नो वी मेंट टू गाइस, हमें टेस्ट स्टेप्स में स्टार्ट टू एंड में क्या क्या चीज़ें करनी है, दैट वी नीड टू फॉलो हियर, वी नीड टू मेंशन हियर। ओके ऑलराइट एवरीवन, सो सबसे पहले गाइस मुझे क्या करना है, सबसे पहला टेस्ट स्टेप क्या आएगा कि मुझे ब्राउजर ओपन करके मुझे ऑरेंज एचआरएम एप्लीकेशन लॉन्च करना है, राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, ओपन ब्राउजर, ब्राउजर में ओपन करूंगा एंड एंटर ऑरेंज एचआरएम यूआरएल, ऑरेंज एच आर एम का यू आर एल मैं यहां पर एंटर कर लूंगा। ओके ऑरेंज एच आर एम का यू आर एल मैं एंटर करूंगा। दिस इज माई फर्स्ट टेस्ट स्टेप, ये मेरा थोड़ा सा फर्स्ट टेस्ट स्टेप है। इसके बाद गाइस सेकेंड जो टेस्ट स्टेप रहेगा दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे हम लोग क्या करेंगे या फिर क्या क्या चीजें हम लोग फॉलो करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, जस्ट लेट मी गाइस सिंपली थोड़ा सा लेट मी एक्सटेंड दिस कॉलम। ओके
ऑल राइट गाइस, दिस इज आर फर्स्ट टेस्ट स्टेप. दूसरा टेस्ट स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट इज आर सेकंड गाइस, सेकंड टेस्ट स्टेप क्या होगा? वंस वी गाइस, हमने ब्राउजर ओपन किया, ऑरेंज एचआरएम का यूआरएल हमने ओपन कर दिया. या फिर गाइस, अगर आप ऑरेंज एचआरएम का यूआरएल वगैरह ये आप लोगों को मेंशन नहीं करना है, डोंट मेंशन इट. दिस डिपेंड्स अपॉन, अगर आप यहाँ पर यू नो प्री कंडीशन में भी वो मेंशन कर सकते हो, दैट यू गाइज कैन मेंशन इन अ प्री कंडीशन एज वेल. ओके, वो प्री कंडीशन में आप मेंशन कर सकते हो, बट इफ़ यू आर मेंशनिंग दिस स्टेप चलेगा कोई यू नो गाइज. एज आई सेड, आपके टेस्ट केसेस सिंपल होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए, किसी को भी अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप गाइज मेरा, ओपन ब्राउजर एंड एंटर ऑरेंज एचआरएम का यूआरएल. सेकेंड मैं क्या करूँगा गाइज, सेकेंडली मुझे क्या करना है कि मुझे ऑरेंज एचआरएम के एप्लीकेशन पे गाइज मैं जैसे ही ओपन करूँगा, चेक करना है मुझे कि ये पर्टिकुलर लॉगिन पेज या फिर लॉगिन मॉड्यूल अपीयर हो रहा है क्या, राइट? या फिर मुझे लॉगिन मॉड्यूल पे नेविगेट करना है. मैं डायरेक्टली गाइज यहाँ पे मेंशन करता हूँ चेक या फिर वैलिडेट, वैलिडेट लॉगिन, लॉगिन मॉड्यूल या फिर लॉगिन फंक्शनैलिटी या फिर लॉगिन पेज, लॉगिन पेज इज अपीयरिंग. ऑरेंज एचआरएम का लॉगिन पेज अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लो. ठीक है, इसको चेक कर लो, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, राइट? देन गाइस नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टेस्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, लॉगिन पेज अपीयर होने के बाद गाइस मैं क्या करूंगा, मुझे गाइस सिंपली ये यूजर नेम वाला फील्ड है, इसमें मुझे क्या करना है, वैलिड यूजर नेम एंटर करना है. टेस्ट स्टेप देखो गाइस, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन देखो, एंटर वैलिड यूजर नेम एंड एंटर वैलिड पासवर्ड. तो यूजर नेम कहाँ पे एंटर करूंगा, इन अ यूजर नेम फील्ड. सो सिंपली एंटर एंटर वैलिड इज एंटर वैलिड यूजर नेम, यूजर नेम इन यूजर नेम फील्ड या फिर एट यूजर नेम फील्ड, जो भी आप गाइस आपका आप एग्जैक्टली फॉलो करना. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड ऑल, आई नो कि मैं बहुत सारे मिस्टेक करूँगा, उसको गाइस थोड़ा सा अवॉइड कर लेना आप लोग. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है, एंटर एंटर वैलिड पासवर्ड, एंटर वैलिड पासवर्ड इन पासवर्ड फील्ड. पासवर्ड वाले फील्ड में गाइस सिंपली मुझे वैलिड पासवर्ड एंटर करना है. देन उसके बाद क्या करना है, वॉट आई एम सपोज टू डू गाइस, नेक्स्ट मुझे एग्जैक्टली करना क्या है गाइस, आफ्टर एक पासवर्ड एंटर करने के बाद, यूजर नेम एंटर करने के बाद, पासवर्ड एंटर करने के बाद मुझे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, राइट? दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप. सो दैट इज गाइस माय नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नथिंग बट क्लिक. मैं क्या करूंगा, क्लिक लॉगिन बटन, क्लिक ऑन लॉगिन बटन. सिंपल, ये हो गया गाइज आपके टेस्ट स्टेप्स. दीज आर योर टेस्ट स्टेप्स विच आर एसोसिएटेड विथ योर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस आईडी. ये आपके टेस्ट केस आईडी से गाइज इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से वैलिड ऐसे आपको टेस्ट स्टेप्स लिखने हैं. यू विल बी गाइज राइटिंग डाउन दीज सॉर्ट ऑफ टेस्ट केसेस, ये टेस्ट केसेस आप लिखोगे. ओके, सो लेट मी गाइज सिंपली कॉपी दिस ऑल स्टेप्स. यही स्टेप्स मैं यहाँ पर भी फॉलो करने वाला हूँ, करेक्ट? ये स्टेप्स मैं यहाँ पर भी फॉलो करने वाला, एंड द सेम स्टेप्स आई एम गोइंग टू फॉलो हियर एज वेल, राइट? लेट मी क्विकली, सिंपली गाइस लेट मी गो एंड रैप दिस वन. सॉरी माय बैड. ओके, तो गाइस ये हमारे टेस्ट स्टेप्स हो गए. तो इसमें अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा. दैट इज कि हमें सेकेंड वाले टेस्ट केस में क्या करना था गाइस, हमें क्या करना है, वी नीड टू एंटर वैलिड यूजर नेम, बट पासवर्ड वाले वाले फील्ड में हमें क्या करना था, वी नीड टू ऐड द इनवैलिड पासवर्ड. इनवैलिड पासवर्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा गाइस. ओ वेयर इज दैट, ओके, इनवैलिड पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया.
देन नेक्स्ट वाले इसमें क्या करना है मुझे, इनवैलिड यूजर नेम एंटर करना है, इनवैलिड यूजर नेम एंटर करना है बट वैलिड पासवर्ड एंटर करना है। द लास्ट वन गाइज, मुझे बोथ ऑफ द प्लेसेस में इनवैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड हमें एंटर करना है। देन गाइज, सो दीज आर माई टेस्ट टिप्स, जो मैंने टेस्ट टिप्स लिख दिए इस पर्टिकुलर टेस्ट गाइज, फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट केस मैंने कुछ टेस्ट टिप्स यहाँ पर मैंशन कर दिए। द लेटर ऑन गाइज, हमें यहाँ पर प्री कंडीशंस मैंशन करने हैं, वॉट वी आर एग्जैक्टली गाइज, वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्री कंडीशन टैप। तो प्री कंडीशन टैप में सबसे पहले गाइज, आप प्री कंडीशन मतलब क्या होगा, प्री कंडीशन मतलब एग्जैक्टली आप टेस्ट करने से पहले, टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, वॉट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू नीड, आपके पास क्या होना चाहिए गाइज। यू नीड अ वैलिड यू आर एल, वैलिड एंड अ वर्किंग फंक्शनल यू आर एल मैं बोल सकता हूँ गाइज, यू नीड अ वैलिड यू आर एल ऑफ ऑरेंज एच आर एम, वैलिड यू आर एल ऑफ ऑरेंज एच आर एम, इस ऑरेंज एच आर एम एप्लीकेशन का वैलिड यूजर नेम आपके पास होना चाहिए, करेक्ट एवरी वन, यू शुड हैव दिस वन, आपके पास वैलिड यू आर एल ऑफ ऑरेंज एच आर एम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए गाइज आपके पास, आपके पास वैलिड डेटा भी होना चाहिए गाइज, टेस्ट डेटा भी होना चाहिए। टेस्ट डेटा क्या है, यू शुड हैव अ वैलिड यूजर नेम एंड अ वैलिड पासवर्ड। तो मुझे बताओ, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, इसका लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एवरी वन। अगर आप एडमिन अकाउंट से लॉग इन कर रहे हो, एडमिन यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप यूजर अकाउंट से लॉग इन कर रहे हो तो लॉग इन यूजर से कर रहे हो तो यूजर का आपके पास यूजर का वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड डेफिनेटली होना चाहिए, येस और नो एवरी वन। सो दिस इज नथिंग बट योर टेस्ट केस, सॉरी दैट इज नथिंग बट योर प्री कंडीशन, दैट इज यू शुड हैव अ टेस्ट डेटा। आई एम नॉट एंटरिंग गाइज एनीथिंग हियर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे टेस्ट डेटा की ज़रूरत है, बट यू कैन बी मोर प्रिसाइज ओवर हियर कि एग्जैक्टली कौन सा टेस्ट डेटा यू आर मीन और टेस्ट डेटा का मीनिंग आपका क्या है होगा। तो दैट इज, अगर मैं यूज़र एक पर्टिकुलर एडमिन अकाउंट से लॉग इन कर रहा हूँ तो एडमिन अकाउंट के वैलिड क्रेडेंशियल्स आई शुड हैव, दैट इज नथिंग बट गाइज आपका प्री कंडीशन ओके। तो गाइज प्री कंडीशन के बाद हियर यू नीड द टेस्ट डेटा। फॉर एग्जाम्पल गाइज, ये पर्टिकुलर ऑरेंज एच आर एम एप्लीकेशन पे मुझे एग्जैक्टली लॉग इन अगर करना है तो ये मेरा यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन 123 ओके। टेस्ट डेटा गाइज, ये मेरा टेस्ट डेटा रहेगा और टेस्ट डेटा एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पर मैंशन किया प्री कंडीशन में, ये टेस्ट डेटा मुझे यहाँ पर मैंशन करना है ओके। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यूजर नेम क्या रहेगा, दैट आई नीड टू मेंशन हियर, यूजर नेम वाले फील्ड में गाइज यूजर नेम शुड बी एडमिन, ये मेरा यूजर नेम रहेगा ओके। देन नेक्स्ट थिंग गाइज, मुझे और क्या चीज़ें चाहिए, व्हाट आई नीड, और हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर चाहिए, जैसे कि पासवर्ड, वी नीड अ पासवर्ड, पासवर्ड क्या चाहिए हमें गाइस। सो द पासवर्ड इज नथिंग बट वैलिड जो पासवर्ड है, दैट इज एडमिन 123। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैलिड पासवर्ड, दैट इज एडमिन 123। डन गाइस, दिस इज समथिंग हमारा टेस्ट डेटा हो गया, यहाँ पर ये हमारा टेस्ट डेटा हो गया। टेस्ट डेटा के बाद गाइस पोस्ट कंडीशन मतलब एग्जैक्टली क्या होगा गाइस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वैलिड यूजर नेम एंटर किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे वैलिड यूजर नेम एंटर किया, वैलिड पासवर्ड भी एंटर करा और मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया। तो गाइस ये स्टेप्स करने के बाद पोस्ट कंडीशन ये क्या ओपन हुआ गाइस, यूजर इज एबल टू लॉग्ड इन टू द एप्लीकेशन, करेक्ट एवरीवन, या फिर यूजर इज एबल टू नेविगेट टू द डैशबोर्ड पेज, यस और नो एवरीवन। सो दिस इज आर पोस्ट कंडीशन, मतलब हम लोग जब टेस्ट ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, टेस्ट स्टेप्स में गाइज जितने भी चीज़ें करी तो हमें पोस्ट कंडीशन क्या मिलेगा, पोस्ट कंडीशन क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पर मुझे पोस्ट कंडीशन मिलेगा यूजर शुड बी एबल टू
लॉग इन या फिर लॉग्ड इन टू द एप्लीकेशन, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन एंड नेविगेटेड या फिर नेविगेट व्हाटएवर गाइस, नेविगेट टू डैशबोर्ड पेज. ये डैशबोर्ड पेज पे नेविगेट होना चाहिए. दिस इज माय पोस्ट कंडीशन. ये मेरी पोस्ट कंडीशन है, सिंपल. ये मेरी पोस्ट कंडीशन है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है गाइस? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है मेरा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? मैं यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ गाइस, वैलिड यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, और मैं वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, और मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ. तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए गाइस मेरा? लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए. एवरीवन, लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए. तो दिस इज माय एक्सपेक्टेड रिजल्ट. दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज लॉगिन सक्सेसफुल, या फिर यूजर शुड बी एबल टू सक्सेसफुली लॉग्ड इन इनटू द एप्लीकेशन. ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए. लॉगिन शुड बी सक्सेसफुल. सक्सेसफुल लॉगिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ. लेट मी राइट डाउन सक्सेसफुल लॉगिन. यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन होना चाहिए. एक्चुअल रिजल्ट गाइस ये कब आएगा? जब आप एक्चुअल में टेस्ट केस एग्जीक्यूट करोगे, तब आप ये एक्चुअल रिजल्ट वाला कॉलम फील करोगे. ओके, ऑलराइट एवरीवन. सो अगेन नेक्स्ट गाइस, यही चीज़ें हम यू नो कॉपी कर लेते हैं. लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर. सेम, तो ये तो गाइस प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन यही होने वाला है. बस यहाँ पर कुछ हमें चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेगी. गाइस यहाँ पर एडमिन है, एडमिन के जगह पे रॉन्ग यूज़र नेम करते हैं. जैसे हम यूज़र नेम क्या देते हैं? यूज़र नेम हम लोग देते हैं सुपर एडमिन. ठीक है, सुपर एडमिन. गाइस ये मेरा रॉन्ग यूज़र नेम है, आई नो. पासवर्ड गाइस, पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड मुझे यहाँ पर एंटर करना है. ओके, पासवर्ड है 4-5 कर दो आगे. हाँ, तो लेट्स गिव इट गाइस 4-5-6 ऐसा कुछ कर देते. डन. ठीक है, ये हो गया हमारा वैलिड यूज़र. ओके, इनवैलिड यूज़र नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड हम लोगों ने एंटर कर लिया. ओके, बट गाइस जैसे यही टेस्ट डेटा हम लोग एंटर करके देखते हैं, सुपर एडमिन जो रहेगा, लेट्स लॉग इट आउट. गाइस यार मैं सुपर एडमिन ये मैसेज दे देता. सुपर एडमिन ये हमारा यूज़र नेम है. सुपर एडमिन के बाद गाइस एडमिन 4-5-6 ये पासवर्ड मैंने एंटर किया. तो जैसे ये लॉगिन नहीं होना चाहिए, तो गाइस इसने क्या बोला? इसने मुझे एक पॉपअप दे दिया कि दैट इज़ अ इनवैलिड क्रेडेंशियल. अ पॉपअप मैसेज शुड अपियर विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स. राइट एवरीवन, यहाँ पर एक्सपेक्ट पोस्ट कंडीशन क्या है? दैट यूजर शुड नॉट बी एबल टू और यूजर शुड गेट पॉपअप. गाइस मैं ऐसे बोलूंगा यहाँ पर अ पॉपअप शुड अपियर. सर यस, यहाँ पर स्टेप्स में ये लिखा है कि वैलिड यूजर नेम लिखना है और इनवैलिड पासवर्ड लिखना है. करेक्ट. तो यहाँ पर हमने टेस्ट डेटा में यूजर नेम इनवैलिड लिखा है और पासवर्ड. ओके, यही समझ लो कि ओके वैलिड यूज़र नेम है. चलो ठीक है, तो यस यू आर करेक्ट हियर. तो हमारा वैलिड यूज़र नेम है, राइट? तो वैलिड यूज़र नेम शुड बी एडमिन एंड पासवर्ड रॉन्ग होना चाहिए. करेक्ट ना? यस, थैंक्स. सो ये यूज़र नेम वैलिड हो गया एंड पासवर्ड रॉन्ग हो गया. करेक्ट है गाइस. यहाँ पर पॉपअप शुड अपियर विथ पॉपअप शुड अपियर एंड गाइज इट शुड इंडिकेट दैट इनवैलिड क्रीडेंशियल. अ पॉपअप शुड अपियर एंड इट शुड इंडिकेट इनवैलिड क्रीडेंशियल्स. यहाँ पर उसने मैंशन करना चाहिए, ऐसा कुछ पॉपअप आना चाहिए. दैट्स इट गाइज, ये हमारा पोस्ट कंडीशन है. एक्सपेक्टेड गाइज लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए क्या? नहीं, आपका लॉगिन फेल होना चाहिए. लॉगिन फेल्ड या फिर अनसक्सेसफुल लॉगिन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. मैं फिलहाल बोल देता हूँ यहाँ पर लॉगिन फेल होना चाहिए आपका. सिंपली यहाँ पर लॉगिन फेल होना चाहिए. ओके,
सेम गाइस, यही कुछ हम चीज़ें सिमिलरली यहाँ पर फॉलो करेंगे. लेट मी यही रहेगा. ओके, यहाँ पर क्या है, इनवैलिड यूज़र नेम. इनवैलिड यूज़र यहाँ यूज़र नेम यहाँ पर दे देते हैं. यहाँ पर आ जाएगा आपका सुपर एडमिन, बट आपका पासवर्ड शुड बी द करेक्ट वन. एडमिन वन, एडमिन वन टू थ्री, एडमिन वन टू थ्री होना चाहिए गाइज यहाँ पर. ओके, एंड सिंपली गाइज यहाँ पर हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों चीज़ें रॉन्ग देनी चाहिए. तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 456. करेक्ट, नाउ आई थिंक ये करेक्ट है, राइट? सो दैट्स इट गाइज, ये हमारे टेस्ट केसेस हो गए. सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस. एंड दिस इज गाइज द सिंपलेस्ट फॉर्मैट और द सिंपलेस्ट टेम्पलेट विच वी कैन गाइज हम लोग बना सकते हैं. अभी इसमें से बहुत सारे कंपनीज में शायद ये प्री कंडीशन वाला कॉलम नहीं रहेगा, बहुत सारे इसमें पोस्ट कंडीशन वाला कॉलम नहीं रहेगा. ओके, बट बाकी सारे ये जो टेस्ट सिनेरियो आईडी है, टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, ये कॉलम तो होते ही है. ओके, तो आप डेफिनेटली गाइज आप यू शुड राइट, आइडिया आ गया सबको गाइज हाउ एग्जैक्टली वी कैन राइट डाउन द टेस्ट केसेस. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस हम लोग बाकी सारी चीज़ें गई